आखिरकार पवन की हसीना को इंसाफ मिल ही गया। जी हाँ, डिप्रेशन से जूझ रहे और आत्महत्या तक की भयानक चेतावनी देती हुई एक्ट्रेस रानी चटर्जी को आखिरकार मुंबई पुलिस का सहारा मिल ही गया। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि हम यहाँ रानी से संबंधित किस मामले पर बात कर रहे हैं, तो आपको याद दिला दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद लोगों ने डिप्रेशन जैसी बीमारी पर खुलकर सामने आकर बात करना शुरू किया। इसी के बाद भोजपुरी दीवा रानी चटर्जी ने अपनी की एक पोस्ट में इस बात का खुलासा किया कि वो एक शख्स की वजह से डिप्रेशन से जूझ रही हैं, और अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो वो आत्महत्या जैसा बड़ा कदम भी उठा सकती हैं। दरअसल रानी ऐसा भयावह कदम इसलिए उठाने के बारे में सोच रही थी क्योंकि उनके पास अब और सहने की हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि एक शख्स काफी वक्त से रानी को इमोशनली हरास कर रहा था, जिसके बाद रानी ने तंग आकर इतनी बड़ी बात दुनिया के सामने कह दी। और तो और उन्होंने अपने लिखे लंबे चौड़े पोस्ट में मुंबई पुलिस से भी उनकी मदद की गुजारिश की थी, जिसके बाद भोजपुरी की हसीना के लिए मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई और उस शख्स के लिए FIR दर्ज, कड़ा एक्शन लिया। मुंबई पुलिस के सहारे के बाद पवन की हीरोइन ने अब राहत की सांस लेते हुए देखिए क्या पोस्ट किया। #मुंबई पुलिस #thankyousomuch #FIR #दर्ज #IWillFight। भाई वाह, इसे कहते हैं ताबड़तोड़ एक्शन। खैर, आपको बता दें कि अभी कुछ ही टाइम पहले रानी काफी समय बाद एक चटक मसालेदार गीत में पवन सिंह के साथ नजर आई थी, जिसमें उनके और पवन की केमिस्ट्री को फैंस से खूब प्यार मिला था। तो भाई, पवन की इस हसीना की हिम्मत पर आपकी क्या है राय, दीजिएगा अपना जवाब नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।